BHEL, BEL, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स जो हैं गिरावट का शिकार हो रहे हैं। प्रशांत जी, स्पेसिफिकली BHEL पे एक बार राय दीजिए। यहाँ पे 4% की कमजोरी देखने को मिल रही है, और कितना गिर सकता है ये स्टॉक? यहाँ सिस्टम मुझे पता नहीं ये बैन में है नहीं है, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। जो शुक्रवार का हाई था 290-91, ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस रखना जस्टिफाइबल है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, वरना पैटर्न डेफिनेटली नेगेटिव है तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा। इतना बड़ा रिस्क करके हम शॉर्ट कर नहीं सकते। दूसरा तरीका शॉर्टिंग का ये होगा कि इसको एक बार 270 ब्रेक कर दीजिए स्पॉट में, 270 ब्रेक करने के बाद आप 276-277 स्टॉप लॉस करके शॉर्ट कीजिए, वो तरीका बेहतर होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और आपको वहां से करीबन 265-260 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, तो जी हाँ प्रशांत, बैन में तो आज कोई भी स्टॉक नहीं है, वो मैं अभी बस चेक ही कर रही थी। तो यहाँ पर BHEL पे जो लेवल्स बताए हैं प्रशांत ने, वहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो BEL जैसे काउंटर्स, कोल इंडिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हावी हो रही है। एक बार प्रशांत, BEL पर भी राय दीजिए, क्या यहाँ पर भी और गिरावट थोड़ी हावी हो सकती है? जी सृष्टि, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कुछ वक्त पहले ही इस पे राय दी थी कि जब तक ये स्टॉक 300-305 के ऊपर क्लोज ना हो, ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, हर रैली बेची जा रही है। अभी भी आपको वही नजर आएगा, जो रैली आई थी नजर में आया था लास्ट वीक की 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आई है, बट फिर भी इसने 300 के लेवल क्रॉस नहीं किए थे और वहां से चली नजर आ रही। सो अवॉइड की सलाह होगी, शॉर्टिंग नहीं करूंगा बट अवॉइड की सलाह डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह BEL। यहाँ पर आप शॉर्ट तो ना करें, शॉर्ट से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अगर थोड़ा रीबाउंड आता है तो। पर इसके अलावा आप देखें कि ये स्टॉक जो है थोड़ा सा और करेक्शन ज़रूर दिखा सकते। एक शेयर प्रशांत जी आपसे व्यू जाना चाहेंगे, जहाँ पर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, वो है KEC इंटरनेशनल का। कुछ दिनों पहले इन्होंने QIP भी किया था और बड़े फंड्स ने इसमें पैसे लगाए थे, करीब 850-900 करोड़ रुपए के आसपास का QIP रेज किया था इन्होंने। KEC इंटरनेशनल कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? तो यहाँ पे अगर हम देखिए 1045 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस के करीब है, तो मेरी सलाह होगी कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है वो 1025-1020 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। मैं यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके न्यू पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ट्रेड करना एक बेहतर अप्रोच होगा। ठीक है, KEC में तेजी में है तो आप बने रहिए।